होप सब ठीक होंगे। तो गाइज काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, तो मैं आई हूँ मैक्लोडगंज में। मुंगनी का बर्थडे है, यू नो 18 दिसंबर को मेरी मुंगनी का बर्थडे होता है। केक ही नहीं लाया, कोई नहीं, अब हम जाएंगे ना मार्केट में केक देख लेंगे। तो हम आए मैक्लोडगंज में तो मुंगनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, हम चार बंदों का जहाँ भी जिसका भी बर्थडे होगा हम घूमने जाते हैं, कभी घर पे सेलिब्रेट नहीं करते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी अच्छी सी ट्रिप हो जाए एक। तो मुंगनी का बर्थडे था तो हमने सोचा इस बार हम हिमाचल हो आते हैं। पहले बड़े सारे हमारे जो प्लान्स थे वो मिस होते रहे, तो ये रही मेरी मुंगनी, मेरी मुंगनी का बर्थडे है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे मिला देती हूँ हम लोग आए कौन कौन है। ये मेरी मुंगनी, ये आते ही मेरी पर्स में घुस गई है। ये देखो चोर, ये देखो चोर, ये मेरा पर्स है, चोर मेरे पर्स में। और ये रिंटू भैया और अमन भैया, हम चारों आते हैं, ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो रात को मैंने आपको बताया नहीं कि रास्ते में बताया नहीं क्योंकि हमें लेट हो गया था। अभी टाइम जो है वो 8 बज गया, 8 चुप करो 1 मिनट यार, अब 8 बज चुके हैं। तो अभी हम जाएंगे बाहर थोड़ा घूमने के लिए पब शब में, तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हमारा रूम देख के वो हो जाओगे, देखो डबल बेड, 2 डबल बेड एक ही रूम में लगे क्योंकि हमें एक ही रूम में रहना। और रूम देखो गाइस कितना बड़ा रूम मिल गया हमें, इतना बड़ा रूम मिला। और सबसे बड़ी बात है यहाँ से बाहर का व्यू, माय गॉड ऑसम व्यू है ये। सुबह काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू लेके गया। अभी तो हम जाएंगे बाहर थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको। मेरा बड़ा पैलेस है, मैक्लोडगंज का मेन चौक है, इसको आप देख सकते हो। और अब हम जाएंगे मार्केट की तरफ जो कि यहाँ से नीचे की तरफ है। और हम चल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ। बीच में कुछ इंटरेस्टेड दिखता है तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे टॉयज, कपड़े, मोमोज एंड ऑल सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखो कैप्स, बूट्स एंड ऑल सब चीज़ें यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हैं। बैग्स, वाह, ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यार। यहाँ पे कुछ कश्मीरी वाली शॉप्स भी हैं और हुक्का पॉइंट। कहीं मिलने था गाइस, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुकी है। अभी कुछ दिखा नहीं जो मैं आपको दिखा पाऊँ कुछ अच्छा सा। बस एक मेन चौक था जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। और अब हम सोच रहे हैं अब यहाँ पे पब में जाएंगे हम, क्योंकि सुना है कि मतलब यहाँ पे एक फेमस पब भी है जो ब्लैक मैजिक करके नाम है। तो अब हम सोच रहे हैं हम वहाँ जाएँगे। तो मैंने सोचा था मार्केट से कुछ बच्चों के लिए शॉपिंग करूंगी, बट मार्केट जो है वो बंद हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ तो मैं बच्चों के लिए जो भी शॉपिंग करनी है वो मैं कल कर लूँगी। तो अभी हम चलते हैं पब की तरफ, पब में एंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हो पब में जाके। गाइस वो रहा ब्लैक मैजिक क्लब। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, अब चलते हैं अंदर, करते हैं कुछ मस्ती, मेरे साथ आप भी मस्ती करना। गाइस हुआ पता है क्या, तो सुक्का हो गया हमारे साथ। उन्होंने हमें बोला कि आप एक बार चेक करके आ जाओ अंदर। तो अंदर गए हम, वहाँ पे थाई फुल था पूरा, पता है एक भी टेबल खाली नहीं था। तो खड़े होके क्या ही करना था हमने उधर। फिर हम कहीं और आए, यहाँ पे भी वैसे ही है, क्लब है कि क्या, आई डोंट नो, लाइव म्यूजिक चल रहा है। अब हम अंदर चलते हैं तो मिलते हैं आपको बाद। अगर तुम साथ हो, ओ रंग रे ने, ओ
गई है तेरी आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर उधर आ गई दे मेरी नजर आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर उधर आ गई दे मेरी नजर आजा। तो गाइस आज कुछ इतना इंटरेस्टेड हुआ नहीं क्योंकि जब हम मतलब रूम में पहुंचे 8 बजे तक हम मस्ती कर रहे थे, मस्ती करते 9:30 हो गए। तो 9:30 बजे हम बाहर गए, तो बाहर सबसे पहले हम गए मार्केट में गए। तो मार्केट में देखा हमने, मार्केट आधे से ज़्यादा बंद हो चुकी थी, जो कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो वो मैं कल खरीदूंगी, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। उसके बाद हमने ब्लैक मैजिक पब में जाना था, तो उसमें सीट अंदर मतलब टेबल पूरे फुल थे, तो हम मतलब बैठने की सीट मिली, तो इसलिए हम वहाँ पर गए नहीं, हमने वहाँ पर जाना कैंसिल कर दिया। उसके बाद जहाँ पर हमने रूम लिया उसी के साथ एक और रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर भी लाइव म्यूज़िक चल रहा था, तो आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पर एक सिंगर था जो कि गा रहा था, काफ़ी अच्छा गा रहा था। वहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया हमने, थोड़ा सा खाया पिया और हम आ गए वापस, थोड़ा सा पैक करा के हम वापस आ गए। तो अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी मस्ती करेंगे और फिर हम सो जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग खत्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा तो उसका लिंक आपको जल्दी से मिल जाए। और होप करती हूँ आपको आपने ये व्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और कमेंट में बताना कि वो गिलास वाली वीडियो कैसी बनी है। ठीक है।